नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला स्तरीय मेगा रोजगार एवं ऋण मेले में हिस्सा लिया। मेले के अंतर्गत सीएम योगी ने 1000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र एवं 5027 लाभार्थियों को 191 करोड़ रूपये से ज्यादा का ऋण वितरण किया। साथ ही आपको बता दें कि 8087 युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कानपुर नगर में 725 करोड़ रुपए की 332 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। साथ ही बता दें कि सीएम ने इस दौरान कहा कि आज विकास सुशासन का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है, कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए यह प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले के दृश्य और आप सपा के कारनामों से तो परिचित हैं। गुंडागर्दी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटियों की सुरक्षा पर खतरा करना इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या होता था ये सब जानते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि आज 1000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति। कार्प लिमिटेड कानपुर में सेमी स्किन वर्कर सूरज सिंह पाल। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, कानपुर के मेरे सभी युवा साथियों और उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से कानपुर के जनता जनार्दन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और यहां के युवाओं के लिए कुछ विशिष्ट योजनाओं के साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर इन सभी योजनाओं की सौगात देते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले कानपुर वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रमेश अवस्थी और श्री देवेंद्र सिंह भोले जी को विजयी बना के भेजा। इसके लिए आपके प्रति, कानपुर वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बदले में 745 करोड़ की योजनाओं की सौगात हम लोग कानपुर वासियों को दे रहे हैं, इसकी भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज नौजवानों के सपनों को उड़ान देने के लिए जहां रोजगार की एक बड़ी योजना को लेकर के 50 कंपनियों के द्वारा एक साथ 1000 से अधिक नौजवानों को रोजगार वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं, वहीं सैकड़ों उद्यमियों को लोन देने के लिए भी आज यहां लोन मेला भी लगा है। तो लगभग 8000 युवाओं को युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण भी हुआ है। इस अवसर पर इन सभी युवाओं के लिए, इन सभी रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए, लोन प्राप्त करने वाले उद्यमियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, आपने डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर देखी है। सरकार ने सुरक्षा का, सुशासन का और विकास का एक मॉडल दिया है और ये मॉडल इस रूप में दिया है जिससे आपका वर्तमान भी उज्जवल हो और भविष्य की एक नई अभिलाषा के साथ, आकांक्षा के साथ आप आगे बढ़ सकें। और इस विश्वास के साथ आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश
अपनी पहचान के लिए मोहताज था, अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी। हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी, प्रदेश के अंदर कोई आना नहीं चाहता था, और जो नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ था। इन विपरीत परिस्थितियों में यहां की पीड़ा को समझा दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और 2017 में मोदी जी के आह्वान पर प्रदेशवासियों ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। आज परिणाम आप देख रहे होंगे, 7.5 वर्ष में कोई प्रदेश एक लंबी दूरी तय कर ले, आज आपके सामने यह दृश्य है। बहनों और भाइयों, आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है, आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है, कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे, बहनों और भाइयों, में भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था, और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है क्या है, खन्ना जी ने कहा हां यही लाल इमली है। बहनों और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी क्यों बंद हो गई, एक कांग्रेस के बेमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है, जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बनकर के चिढ़ा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है लाल इमली का पुनरुद्धार करने के एक बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है। सिख यूनिट को पूरी लैंड और पुनरुद्धार के एक व्यापक पैकेज का कार्य हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है, और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, इस समाजवादी पार्टी, आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं, इतिहास की पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं, गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा कर पैदा करना इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था कौन नहीं जानता है, और यहां पर इनका दिखाने वाला चेहरा एक है और अंदर कुछ और है, यह दृश्य देखना है तो सीसामऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं, दंगे भी उस दिन भड़काने का साजिश होता है जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति जो इसी माटी के सपूत हैं, वे जब कानपुर की धरती पर आए थे उस दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधायक इसी सीसामऊ को, कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का साजिश रचता है। बहनों और भाइयों, आज वो अपने कृत्यों का सजा भुगत रहा है। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने जनादेश 5 वर्ष का दिया था, लेकिन आपको चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। यहां का विकास बाधित हुआ है, समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक
निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा, एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। बहनों और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है, ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं, ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है और आज उन्हीं की सौगात लेकर के मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। बहनों और भाइयों, एक तरफ नौजवानों के सशक्तिकरण के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित हो रहे हैं, हमारा युवा भी तो दुनिया के पास जाएगा दिखाने के लिए कि हां मैं योग्य हूं, सर्वोत्तम मैं करके दिखा सकता हूं, भारत के विकास में मैं भी योगदान दे सकता हूं। और हमने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 7-7.5 वर्ष में जो किया, आपके द्वारा चुने गए इन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, उसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं। आज आपने देखा होगा 6.5 लाख नौजवान सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, किसी को सिफारिश कराने की नौबत नहीं आती, किसी को कहीं कोई घुसखोरी की नौबत कहने की शिकायत नहीं होती, और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उसको हम वहीं से उठा करके सीधे जेल की सिकंजों के अंदर डालते हैं और कहते हैं जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी। और जेल ही नहीं बल्कि बाप दादों की जो पुरखों की जमीन है उसको भी जब्त करके फिर गरीबों में बंटवाने का काम भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। बहनों और भाइयों, इन नौजवानों के हाथ को काम चाहिए लेकिन कोई उद्यम यहां नहीं लगाना चाहता था। आज आप देख रहे होंगे आपके इसी कानपुर की माटी के लाल आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं और सतीश महाराज जी आज अध्यक्ष हैं, लेकिन 17 से 22 तक उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री थे। एक शानदार पारी उन्होंने खेली, कानपुर को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुसार उन्होंने एक नोड के रूप में विकसित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। मुझे याद है जब महाना जी से मैंने पहली बार 2017 में नवंबर में कहा कि महाना जी अब यहां औद्योगिक निवेश होना चाहिए, इन लोगों ने कहा कि हम भी चाहते हैं लेकिन बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। और बहनों और भाइयों,
उस समय टारगेट था 20,000 करोड़ का, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे इसी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति, सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्य हुआ, आज यही उत्तर प्रदेश जब 6 वर्ष के बाद 7 वर्ष के बाद अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करता है, तो बहन और भाइयों 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होते हैं। और इसीलिए मैं आज कहने के लिए आया हूं, अगले 2 वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना, 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। 23, 24, 25 और फिर कल और परसों, ये 5 दिनों में ये रिटर्न परीक्षा हो रही, लिखित परीक्षा हो रही है। और परीक्षा आप देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और अगर किसी ने दुस्साहस किया सेंध लगाने का, तो कैसे कहीं का भी हो उसको उठा करके फिर सदैव के लिए जेल के अंदर बंद करने की कार्रवाई, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं। और अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों यही नहीं, इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%, बेटियों की भर्ती इसलिए इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सोहदे हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी, इनके गुंडागिरी का उपचार भी करेगी और सड़कों पर ही उनसे निपटेगी। बहनों और भाइयों ये प्रक्रिया चल रही है, और आप देखना, नौकरी एक तरफ होगा, प्रधानमंत्री जी ने मिशन रोजगार का लक्ष्य दिया है, 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को जो प्रदेश के अंदर निवेश के प्रस्ताव आए हैं और उन्हें हम आज शिलान्यास के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, 1 करोड़ नौजवानों के लिए यहां पर हम नौकरी देने जा रहे हैं, और 50 लाख नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से स्वतः रोजगार की योजना के साथ जोड़ने के बड़े कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा कानपुर भी ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। आज कानपुर के पास अपना मेट्रो है, अब यह मेट्रो सिटी बन चुका है। बहनों और भाइयों इस सीसामऊ में ही कितना बड़ा सीवर का नाला मां गंगा में उड़ेला जाता था, आज सीसामऊ हो या जाजमऊ, आज मां गंगा की अविरलता और निर्मलता का आधार एक कानपुर बन रहा है। जो कानपुर का भी माना जाता था कि गंगा की गंदगी के लिए कानपुर को दोषी ठहराया जाता था, आज वह कानपुर एक मॉडल तैयार कर रहा है। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, विकास भी होगा, सुरक्षा भी होगी, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा विकास और सुशासन का मॉडल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉडल हमें दिया, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस मॉडल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। एक तरफ यह कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर
नए उद्यम लगा करके रोजगार सृजन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का बनना यह इस विकास की रफ्तार को और तेज करने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे जो मेरठ को कानपुर और लखनऊ के बीच से होते हुए प्रयागराज तक जोड़ने जा रहा है, यह भी यहां के विकास का आधार बनने जा रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर यहां का आधार बनने जा रहा है और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आ रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। चिली के विदेश मंत्री जो है दो दिवसीय भारत दौरे पर जो है आए हुए हैं, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में विदेश मंत्री भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने जो है भाषण घोषणा भाषण उनके संबोधन में दिया है। क्या किया है आपको सुनाते हैं। इंडिया चिली ज्वाइंट कमीशन मीटिंग द फर्स्ट वन वी डिड क्वाइट अ फ्यू इयर्स अगो एंड दैट वाज ड्यूरिंग द कोविड टाइम इट वाज इन वर्चुअली So I'm really glad that we have an opportunity to meet in person. And as I welcome you, let me also say we very much value the participation of Chile in the Voice of Global South summits. We heard your president. He gave a very, very, very insightful set of remarks at the summit in August. We also thank you very much for your support for our permanent membership in the Expanded Security Council. Your own participation in the Trade and Economic Ministers meeting in November 2023 is also something we appreciate very deeply. I think today we have a lot to discuss. I have colleagues from many ministries here whom I will introduce after that. But I would request you to make your opening remarks. Thank you very much for your words of welcome. And I would like to begin by extending our heartfelt gratitude to the government of India for the warm welcome and excellent arrangements for the second high-level joint commission. It's a pleasure to be here in New Delhi, participating in this important dialogue face-to-face this time, which is a testament to the resilience and enduring strength of our bilateral relationship. This commission has been a cornerstone of our bilateral relationship, representing the first structural and regular dialogue at the highest levels of government in our diplomatic history. The outcomes of our first meeting held virtually on October 16, 2020, due to the pandemic, clearly demonstrated the broad and diverse agenda of cooperation that has evolved between our countries over the years and highlighted our mutual commitment to expanding and deepening these ties. It's an honor, really, to co-chair this high-level commission with you, Dr. Jaishankar. This meeting is particularly significant as we commemorate the 75th anniversary of our diplomatic relations, a partnership that has only grown stronger since its inception in 1949. Thank you very much. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।